सेवा है क्या, वो सेवा करने का ढंग क्या होता है उसका। एक महापुरुष है बाबा खुदा सिंह जी, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, उनके जीवन की एक घटना है, अवस्था बन गई ये वाली, ये जो पंक्ति हम गा रहे हैं, बूझ लिया हुक्म को, अब कोई फर्क ही नहीं रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सब में वही दिखाई देता है। एक जगह से गुजर रहे हैं तो क्या एक झोंपड़ी में से आवाज आ रही है किसी बूढ़ी माई के कराने की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो दर्द से करा रही है। भीतर चले गए, साथ में कई शिष्य है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो घृणा करने लगे, इतनी गरीब की झोंपड़ी में जा रहे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कहने लगे आप क्यों जा रहे हो, कहने लगे आपको चलना है तो चलो, नहीं तो मुझे तो जाना है। आवाज आ रही किसी के रोने की, किसी कोई दुख है, कोई दुखी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कोई तकलीफ में है। सेवादार मजबूरी में साथ में गए, देखा तो एक बूढ़ी माई तड़प रही है दर से, उसके पैर के अंगूठे में पस भरी हुई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गरीब है, रात का समय है, कोई डॉक्टर से इलाज तो करा नहीं सकती, वो पैसे भी नहीं होंगे, लेने कौन जाएगा, डॉक्टर अकेली है, तड़प रही है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो खुदा सिंह जी ने अपने सेवादारों से कहा कि देखो कोई हकीम मिल जाए, कोई डॉक्टर मिल जाए, तो कहने लगे इतनी रात को कहाँ कोई डॉक्टर मिलेगा, जहाँ से हम गुजर रहे हैं ये एक उजाड़ एरिया और यहाँ पर इस झोंपड़ी, टूटी फूटी झोंपड़ी में ये बैठी है, आस पास कहाँ पर कोई वैद्य होगा। सेवकों ने एक तरह से मना कर दिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा खुदा सिंह जी ने अपने हाथों से उसकी पस निकालनी चाहिए कि मैं निकाल देता हूँ किसी तरह से, निकालने लगे तो बूढ़ी माई जोर से चिल्ला पड़ी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दर्द होता है ना, पस भरी हो ना तो बहुत दर्द होता है, चीसे पड़ती है, सबको एक्सपीरियंस होगा ही मेरे ख्याल से, एक तो बुढ़ापा और ऊपर से इतनी पस भरी पड़ी, जख्म भरा पड़ा। तो उस वक्त बाबा खुदा सिंह जी ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। आपने ये भी नोट किया होगा जब पस भरी होती है तो जब उंगली में थोड़ी सी पस भरी सूजी होती है, उंगली मुख में डालते हैं, आराम मिलता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसे चूसते हैं तो आराम मिलता है, गर्माहट मिलती है तो आराम मिलता है, दर्द नहीं होता। बाबा खुदा सिंह जी ने अपने मुख से उसके अंगूठे को चूस चूस के पस निकाले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवक घृणा करने लगे कि ये महापुरुष क्या कर रहे हो, महापुरुष नहीं रुके, पस निकालते रहे, वो बूढ़ी माता नहीं चिल्लाई ज्यादा, थोड़ा सा दर्द हुआ, वो अपने मुख से भर भर के पस निकालते रहे, उसको पस पूरी निकाल दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बूढ़ी माता कहती कैसे इंसान हो आप, मेरी समझ के परे है, एक तो मेरी झोंपड़ी में इतनी स्मेल है कि कोई आता ही नहीं, गरीब की झोंपड़ी में वैसे कोई नहीं आता, और आप आए हो और पस अपने मुख से निकाली है, आप इंसान हो कौन हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो बाबा खुदा सिंह जी कहने लगे तू नहीं समझेगी माता, मैंने तेरी पीड़ा ठीक नहीं की है, मैंने उस गुरु नानक की सेवा की है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मैंने तेरी सेवा नहीं की है, मैंने गुरु नानक की सेवा की है, जो गुरु नानक तुझ में बैठा है ना उसने मुझे आवाज दी कि पस निकाल, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था बन जाती है सेवक की, जब कोई पुकार करता है तो उसे लगता है गुरु बुला रहा है, आदमी नहीं दिखाई देता, हमें अब तक दुश्मन और मित्र दिखाई देते हैं क्योंकि हमने ये हुक्म को बूझा नहीं है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु से मांगो पाछा तरस कर, इस हुक्म को बूझने के बाद उस पर चलने की समर्था भी दे दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या अवस्था है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा निधान सिंह जी लंगर साहब गुरुद्वारे वाले सबने सब जानते हैं उनके बारे में, जीवन के बारे में, आइए पहले गुरु से ये मांग लेते हैं। सानू अपनी सेवा विच लाओ, मेरे गुरु नानक जी।
निधान सिंह जी फौज में थे, नाम कटवा दिया अपना, अंदर से एक प्यार जागा, पुकार जागी कि मैं हजूर साहब जाके उस दर पर सेवा करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्यास जागी सेवा की गुरु की अपार कृपा। इसके पीछे बड़ी लंबी घटना है, पर दास इस वक्त जितनी जरूरत है उतनी बात ले रहा है। बाबा निधान सिंह जी को प्यास जागी सेवा की, हजूर साहब पहुंच गए और निष्काम सेवा, क्योंकि प्यास जागी है सेवा की, निष्काम सेवा में लग गए। इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि कुछ ही समय में लोग उन्हें पूजने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उनका बड़ा नाम हो गया कि कोई आया है जो दिन रात सेवा में लगा है। ट्रेनें आती हैं उन्हें लंगर छका रहे, कोई किधर से भी आ रहा है भाई रोड पर लंगर लगा के बैठ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लोगों से जा जाके कहते हैं कि सेवा दो लंगर लगाना है और लंगर चलाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत बड़ी बात होती है किसी के आगे हाथ फैलाना। अपने लिए तो कोई भी फैला लेता है मजबूरी में, दूसरों के लिए फैलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा हरमन सिंह जी हुए, रिक्शे वालों के पास जाके 10 रुपए 20 रुपए मांगते थे सेवा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार कहते थे बड़े बड़े सेठ लोग बैठे हैं लाखों रुपए लेके, अब क्यों 10-20 रुपए मांगते हो, अच्छा नहीं लगता हमें। कहने लगे इनका भला कैसे होगा, अमीर अमीर लोग तो पहले ही पैसे वाले हैं और सेवा करके और धनवान होते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं चाहता हूँ गुरुद्वारे बन रहे हैं तो इनकी नाम की एक ईंट तो लग जाए, इनका भी भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये महापुरुषों की सोच होती है। बाबा निधान सिंह जी सेवा ऐसी की कि बहुत नाम हो गया। पर आपको पता है जहाँ इस दुनिया की एक रीत चली आई है, दुश्मन भी खड़े हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ईर्ष्या करने वाले भी खड़े हो गए, इतनी जल्दी इनका इतना नाम कैसे हो गया, इन्हें यहाँ से भगाना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय देखा जब अकेले बैठे हैं स्टेशन पर, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, हाथ में बाल्टियां लेकर दाल की रोटी चपाती की, किसी कोई गाड़ी जा रही है तो संगत को मैं खिला दूं, कोई भूखा ना चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे 15-20 लोग इकट्ठे होके, सच्ची घटना है, संत बाबा निधान सिंह जी लंगर साहब गुरुद्वारे वाले, जिनके आज लाखों लोग रोज को भोजन खाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूरी मर्यादा से लंगर बनते हैं वहाँ पर। और वहाँ की घटना है लंगर लेट हो जाए नगाड़े बजने शुरू हो जाते हैं अपने आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, प्रत्यक्ष शक्ति वर्तती है लंगर साहब गुरुद्वारे में, हजूर साहब में। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहते हैं मैंने ये बात सुनी कि लगाड़े अपने बजने शुरू होते लंगर लेट हो जाए, तो कहने लगे मैं गया वहां पे और मैंने खुद देखा कि लंगर लेट हुआ, मैंने कहा आज थोड़ा लेट कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने गुरु साहब जी नाराज हो जाएंगे, कहने कि मुझे देखना है, मैंने सुना है, मैं संगत में बताता हूँ ये बात, मुझे देखना चाहता हूँ। कहने उस वक्त के जो सेवादार थे उन्होंने उनकी बात मान के लंगर लेट किया, भोग नहीं लगाया, नगाड़ी बजने शुरू हो गए अपने आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शहीदी पहरा कि भाई लाओ समा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घेर लिया और इतना पीटा कि लहू लुहान कर दिया, उनका दांत तोड़ दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किश मरी जाए एक संत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इतना पीटा, लहू लुहान कर दिया संत बाबा निधान सिंह जी को, पूरा लहू लुहान करके दांत तोड़ दिया उनके और चले गए कि यहाँ से चला जा, अगली ट्रेन आएगी तो अगर तो रुका तो अगली बार मार देंगे। यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्यों? क्योंकि लंगर खिला रहे हैं लोगों को। यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसे नहीं नाम हो जाता, बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है संतों को। यार से बोलिए धन गुरु नानक, बहुत कुछ झेलना पड़ता है पूर्ण महापुरुषों को जो नाम जपते हैं, जो दूसरों को जपाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कोई गलत काम करने जाओ ना, 100 लोग साथ देने आ जाएंगे। सही काम करने जाओ, रोकने के लिए 100 लोग आ जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी एक शराब की दुकान खोलने जाओ, सब साथ देंगे आपका। क्या चाहिए, हम हैं साथ में, हम बैठे हैं, ये है वो है, सब आ जाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये सच्चाई है, गुरु मेहर करें। बाबा निदान सिंह जी इतना पीटा के दांत टूट गए, शरीर टूट गया, लहू लुहाने मार के चले गए। उस स्टेशन पर ही बैठे हैं और आंखों में से आंसू आ गए कि हे कलगिया वाले, हे कलगिया वाले, मेरी तो एक ही इच्छा है मन की कि मैं तेरे इस दर पर रह के तेरी सेवा करूं, तेरी संतों की सेवा करूं, और मेरी इच्छा कोई है ही नहीं। चाहे मुझे मारना है तो पूरा मार दे, इधर ही ख़त्म कर दे, यहीं ख़त्म कर दे, यहाँ तो सेवा करा ले, क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे उन्होंने हृदय से ये पुकार की, हे कलगिया वाले, मारना है तो पूरा मार दे, पर मैं ये तेरा दर छोड़ के जाने वाला नहीं, मेरी मुझे प्यास लगी है तेरी संतों की सेवा की। कहते उस वक्त प्रत्यक्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दर्शन दिए उन्हें। अभी हम में से कोई होता सेवा छोड़ के बाहर में गए, सब मार खानी है क्या, चलो अपना काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलिट्री में था मैं, हम सब यही करेंगे, और वो संत बाबा निधान सिंह जी थे, तभी तो नाम है उनका, तभी तो आज इतने लोग भोजन खा रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने उस दिन कहा, जा निधान सिंह, आज के बाद तुझे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू जा, जितनी सेवा करनी है कर, और जितना खर्च करना है कर, मांगना भी तुझे नहीं पड़ेगा, हाथ तेरा खीसा मेरा, पंजाबी में खीसा कहते हैं जेब को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वर दे दिया, हाथ तेरा खीसा मेरा, तुझे मांगने की भी जरूरत है, जितना चाहे संगत के ऊपर खर्च कर, जितना चाहे भोजन करा, आज के बाद ना तुझे कोई हाथ लगाएगा, ना ही तेरे हाथ में कभी कोई कमी रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पे खुद आके खड़े हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, फिर किसकी भी साथ थी। उसके बाद आज देखो, उस दिन से लेके आज तक एक मिसाल है लंगर साहब गुरुद्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी मौजूदा महापुरुष जो है वो भी कमाई वाली, अत की कमाई वाली है, वो भी सारा दिन रात सेवा सेवा सेवा, और कुछ नहीं सोचता उन्हें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।